साल मोदी जी को हो गया ना? हाँ बिल्कुल हो गया है। 10 काम गिनवाइए। बहुत काम है। कितने? 10 काम गिनवा दीजिए। बहुत योजनाएं। कैसे काम हम पूछ रहे हैं? एम्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, राम मंदिर हो गया, कितने गिनवाएं? इतने अब ये बताइए 500 वर्षों तक जिस मंदिर के मंदिर को विकास पे काहे ले जा रहे हैं? नहीं विकास विकास जो विकास है विकास छोड़ दीजिए। 10 काम गिनवाइए। हाँ गोरखपुर से बनारस जब जाते थे कितने घंटे आपको लगते थे? कितने घंटे लगते आप बताइए ना। आज आज कितने समय आज कितना समय लगता पिछली बार कितना समय लगता था आपको? 3.5 घंटे। जब हम 1.5 महीने पहले गए थे तो हमको लगभग 12 घंटा लग गया। देश में 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, ले रहे हैं ना, 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, मतलब गरीब है 80 करोड़ लोग। भारतीय जनता पार्टी जेल में क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के कार्यों से वो हार मान ली है, तभी इसलिए विपक्ष एकत्रित हो रहा है। जी तभी चोर चोर मौसेरे भाई हो रहा है, इसीलिए विपक्ष एकत्रित हो रहा है। कभी रिटायर होंगे मोदी जी? हाँ रिटायर होंगे, योगी जी बैठेंगे उनके जगह पे। योगी जी बैठेंगे? योगी जी बैठेंगे, योगी जी बैठेंगे, योगी जी प्रधानमंत्री, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे उनका उम्र खत्म हो गया, 75 साल के हो गए, अब क्या है उनका उम्र? अब योगी जी बैठेंगे। अभी तो हारते हैं मन से तो सब विपक्षी कांपने लगते हैं। अरे कांपने दीजिए भैया, योगी जी के सिवा कोई नहीं आएगा। 10 साल पहले रोड पे चलते थे, क्यों नहीं चलते थे ना? हाँ तो ऐसा क्या कह रहा है कि बस मोदी जी ने बनाया? अरे भाई एक मिनट, मोदी जी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रोड पे चलने का एक डिसिप्लिन तरीका उन्होंने ही सिखाया है। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। लोकसभा 2024 का चुनाव अब बहुत ही करीब है, ऐसे में लगातार हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से जनता लगातार आक्रोशित है, जनता लगातार महंगाई और तमाम विषयों पे लगातार मुखर होकर अपनी बातचीत रख रही है, अपनी बातें बता रही है, ऐसे में गोरखपुर में एक जगह पे मौजूद है मोहद्दीपुर, ये स्थान है और यहाँ पे जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इसके पहले 2019 में रवि किशन की जीत हुई थी, भाजपा ने एक बार फिर से रवि किशन पे दांव खेला है। काजल निषाद यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बताओ कि बसपा से अभी कल ही जो है जावेद सिमनानी को टिकट दे दिया गया है, तो मतलब तीनों जो प्रमुख पार्टियाँ हैं वो अपने अपने पत्ते खोल दी हैं। पीछे देख सकते हैं थोड़ी सी भीड़ लगी है, लोग से ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव को लेकर और क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं जो इस बार अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते हैं तो वो पूरा करने के लिए ये आश्वस्त हैं उन सब चीज़ों के लिए। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा। मनोज जी क्या करते हैं आप ये बताइए? हम यहाँ के नागरिक हैं। नागरिक हैं जी, गोरखपुर के ही हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे देखते हैं चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव? बहुत बढ़िया है, डंका बज चुका है, जनता ने बिगुल फूंक दिया है। किसका डंका बजा है? भारतीय जनता पार्टी का, जनता ने भरी हुंकार। मतलब नेता है आप भारतीय जनता पार्टी के? हाँ नहीं है? नेता भी हैं, कार्यकर्ता हैं, आम कार्यकर्ता भी करता है जी जी, इसलिए डंका बज चुका है। नहीं हम ये नहीं कह रहे, यहाँ की जनता कह रही है, आप सर्वे करा लीजिए भाई, विकास का मापदंड। कांग्रेस सपा सब एक साथ आ गई है, वो देखिए वो हाँ ये नहीं, पिछले बार भी गठबंधन था, पिछले बार भी गठबंधन था, आपने नतीजा देख लिया होगा, लेकिन अब वो जो है समय खत्म हो गया, जनता समझ गई है। और ये भी बात मैं बता दूँ, एक हालात इस प्रकार हो गए हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, हाँ, और जनता ने भर दिए हुंकार, और ज़्यादा दिन नहीं, 1 जून को चुनाव, 4 को रिजल्ट आ जाएगा और नतीजा। 10 साल मोदी जी को हो गया ना? हाँ बिल्कुल हो गया है। 10 काम गिनवाइए। बहुत काम है। कितने? 10 काम गिनवा दीजिए। बहुत योजनाएं। कैसे काम हम पूछ रहे हैं? एम्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, राम मंदिर हो गया, कितने गिनवाएं? इतने अब ये बताइए 500 वर्षों तक जिस मंदिर के मंदिर को विकास पे काहे ले जा रहे हैं? नहीं विकास विकास जो विकास है विकास छोड़ दीजिए। 10 काम गिनवाइए। हाँ एम्स नहीं ना, वो है हाँ, फर्टिलाइजर बहुत सारे रोजगार का क्षेत्र है। बंद था, हाँ, एक मिनट, हाँ, फर्टिलाइजर बंद था, उसको फिर से चालू करा गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दो चीज हो गया बताइए। हाँ, तीसरा, और अब इतने काम है कि कितनी कितने काम आपको गिनवाएं? अच्छा 10 साल में आप 10 काम नहीं गिनवा पा रहे हमारे? अच्छा ये बताइए जो 68 सालों में जो है इतना नहीं कर पाया, अब ये आप सुनिए, बता रहा हूँ गोरखपुर से बनारस जब जाते थे कितने घंटे आपको लगते थे? कितने घंटे लगते थे आप बताइए ना। आज कितना समय लगता पिछली बार कितना समय लगता था आपको? 3.5 घंटे। जब हम 1.5 महीने पहले गए थे तो हमको लगभग 12 घंटा लग गया, तब आप लग रहा रास्ता था रोडवेज से गए थे। नहीं हमें सरकारी बसों को लगा था जो है नरेंद्र मोदी सरकार जो है कहती है कि बड़ी बस जो है दे दिए। नहीं सुन लीजिए, सफाई करवा दिए बस, ऐसा नहीं, आप तब रास्ता गलत चुने हैं। हम तो जाते हम थोड़ी ना सरकारी बस वाला चला रहा था, ये हम नहीं कह रहे हैं। 3.5 घंटे मात्र लगते हैं यहाँ से बनारस जाने में। और भी लोगों को 10 साल में नरेंद्र मोदी के 10 काम गिना दीजिए फटाफट। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम कराए हैं मोदी जी। जहाँ देश में गिन करके कुछ एक एम्स थे, आज के डेट में देश में कम से कम 20-25 एम्स हो गए हैं। जो भी रीजनल कॉलेजेस थे
और आईआईटी की संख्या कितनी कम थी आज के डेट में, कितनी थी इसके पहले 2014 के पहले कितनी थी एग्जैक्ट हम नंबर नहीं जानते हैं, लेकिन अभी कितनी हो गई है, संख्या बहुत ज्यादा हो गई, अभी कितनी हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज आने वरेज एक मेडिकल कॉलेज आने वरेज से हो गया है। आप देख लीजिए जहाँ पे आप देख रहे हैं रेलवे की स्पीड हमारी इतनी ऐसी थी कि हम बहुत ज्यादा समय लगाते थे, आज वंदे भारत ट्रेन हमारे पास है। वंदे भारत से कितना किराया देते हैं, वंदे भारत तो बैठे हैं कि नहीं बैठे, बैठे हैं, कितना किराया दिए हम चंडीगढ़ से दिल्ली तक बैठे थे, कितना दिए और भाड़ा लगभग बहुत ज्यादा नहीं था। लखनऊ तक का भाड़ा पता है कितना है, लखनऊ तक का भाड़ा आप जाएंगे तो करीब 700 तक 800 पड़ेगा, लंच वंच लेंगे, लंच लेंगे तो 150 और जुड़ेगा 850। मजदूरिया करता है वो ट्रेन पकड़ेगा वंदे भारत का, वैसे भी आप बस से जाएंगे एसी बस से तो एसी बस से कहाँ जाएंगे, हम तो जाएंगे, हम जाएंगे लखनऊ तक का किराया 650-700 वैसे हो जाता है। चाचा किससे जाएंगे, चाचा किससे जाबा तू, हम लोग जो बस मिली तो हमने से जाएंगे जौन बसवा मिली, एक मिनट भाई एक सेकंड मेरे भाई, हमको जौन बसवा मिली अच्छा, वंदे भारत 750 रुपया देख जाबा की रोडवेज से जाबा, ना हम 750 ना देखे ना दे जाबा ना 100 रुपया मगर जाए मिली तब जाएगा जाए, वंदे भारत वो नहीं ठीक है, अच्छी बात है 100 रुपया में भी जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन चलती है देश में, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, देश में 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, ले रहे हैं ना 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, मतलब गरीब है 80 करोड़ लोग, मान रहे हैं इस बात को कि नहीं मान रहे हैं अपने हिसाब, अपने कमा, अपने कमा इतना है आप अगर गरीबों में अपने को रजिस्टर करते हैं तो मिल रहा है भाई, आपको सोचना आप गरीब है कि नहीं, मैं नहीं ले रहा, गरीबी का कोई पैमाना सेट होता है, बहुत से ऐसे गांव मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे घरों के लोग ले रहे हैं, लेकिन वहीं पे बहुत ऐसे भी लोग हैं जो गरीब भी हैं लेकिन उनका स्वाभिमान है, कहते हैं वो हम अपना राशन खुद लेंगे। मैम से पूछ लेते मैम, रवि किशन के 5 काम आपको कुछ पता है कि 5 काम गोरखपुर में क्या क्या किए रवि किशन ने? जब से 2014 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल शुरू हुआ है 2017 से, उस समय से लेकर और गोरखपुर के जो सदर सांसद माननीय रवि किशन जी हैं, लगातार गोरखपुर में चौमुखी विकास हो रहा है और गोरखपुर ही नहीं पूरे समूचा उत्तर प्रदेश में विकास ही विकास चल रहा है, तभी हमारी बहुमत की सरकार आई थी और इस बार 2024 में भी ऐतिहासिक मतों से रवि किशन जी जीत रहे हैं। निषाद पार्टी के दिन रैली था, ज़्यादा दिन हो गया तो वहाँ पे कुछ महिलाएं आई थी, हम पूछे कि किसको वोट करेंगी तो कहें सब मोदी जी को जी। तो हम कहें और जो रसोई गैस वैसे वो दाम बढ़ा है तो कह रही है दाम बढ़ल भले लेकिन वोट हम मोदी जी के, ऐसा क्या है मोदी जी में कि महिलाएं जानती हैं कि महंगाई है फिर भी जो है मोदी जी को चुन रही है, कुछ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब तक जब से विराजमान हुए हैं उस समय से एक कांग्रेस की भी सरकार थी जब 2014 से पहले यही महिला बहने 2 बजे रात को जाकर गैस एजेंसियों पे लाइन लगाती थी और जो है बहुत ही कष्ट में उस समय ब्लैक में गैस सिलेंडर मिलता था और आज जो है आज बुक करिए कल की डेट में गैस सिलेंडर मिल जाता है, बोलिए सही है कि कितना रुपया देती है, इसलिए देश की रुपया देती है आज क्या रुपया देती है भाई 1100 रुपया है 1100 तो पाइपलाइन के अब तो पाइपलाइन की व्यवस्था हो रही है कम हुआ है ना। अच्छा ये बताइए चाचा जी 1000 रुपए में सिलेंडर मिलता था ब्लैक में, 2500 रुपए में ब्लैक में सिलेंडर मिलता था और आज सरकार ब्लैक में और आज सरकार हर जगह पाइपलाइन की व्यवस्था कर रही है जो 48 रुपया किलो है, चारों तरफ पाइपलाइन दौड़ा है, शहर में भी बहुत जल्दी गांव-गांव तक पहुंचेगा जी। अच्छा उज्ज्वला योजना वाला जो गैस मिला था, कई बार महिलाओं से जाके जब गांव में हम लोग बात बात करते हैं तो कहीं वो सब महिला जो गैस ली थी वो रखा है वैसे अब फिर लकड़ी खाना बना रही है सब। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे लीडर ऐसे नेता हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो महिलाओं का समूचा ख्याल किए, क्योंकि यही महिला बहने जो है लकड़ी पे खाना बनाती थी गोइठा पे खाना बनाती थी, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता था, आग से दिखलाई नहीं देता था, उनके समय का बचत नहीं हो पाता था और जब से उज्ज्वला योजना चला है ये आपने पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट लिया है मुझे नहीं मालूम, रिपोर्ट नहीं लिया हम तो जाग बतियाते जैसे आपसे बतिया रहे हैं 100% यह गलत है। अच्छा यह बताइए अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर गलत है तो भाजपा को क्यों सभी लोग जनता चुन रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, क्यों आ रही है विपक्ष, सारा विपक्ष जेल में चला जा रहा है, संतुष्ट है सारा विपक्ष जेल में चला जा रहा है। सुनिए बता मेरी बात सुनिए, मेरी एक सवाल पूरा जाए
जो विपक्ष आरोप लगाता है कि सारा विपक्ष को जो है भारतीय जनता पार्टी जेल में एकत्रित क्यों हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कार्यों से वो हार मान ली है, तभी इसलिए विपक्ष एकत्रित हो रहा है। जी तभी चोर चोर मौसेरे भाई हो रहा है, इसीलिए विपक्ष एकत्रित हो रहा है, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एकत्रित हो रहा है। सुनिए एक मिनट, आपको ये बात पता है कि एक मिनट आपको ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी एनडीए गठबंधन में कितने दल शामिल है? नहीं हमको मालूम है, शामिल है नहीं, नहीं ठीक है, कई लोग हैं, कई लोग हैं ना, नहीं है ना कई लोग, ऐसे इंडिया गठबंधन ही बना उसमें भी कई लोग हैं, वो तो नहीं नहीं चोर चोर मौसेरे भाई वो सब वो दूसरे वाले हैं, वो लूटने देश को लूटने वाले हैं, बर्बाद करने वाले हैं, देश का समर्थन करने वाले नहीं है। एक एक करके फिर बात करें, चाचा जी कैसे देख रहे हैं 2024 का चुनाव? मुरमपुर में जो है कोई भी लड़े या सपा लड़े या कांग्रेस लड़े जो है जीत जो है भाजपा का हो, भाजपा तय है, भाजपा का हो, भाजपा तय है। चाची यार अब माफिया का बाजार था गोरखपुर में, योगी जी के राज में सबसे अच्छा प्रदर्शन है यहाँ पे, योगी जी, हाँ योगी जी, योगी जी है तो सब गुंडा माफिया सब अंदर, सब अंदर है। उनके ऐसा शासन किसने चलाया है? योगी जैसा कोई नहीं चला, कोई नहीं चलाया है, मोदी जी वाला चुनाव है, मोदी जी वाला चुनाव है तो मोदी योगी एक ही न है। कभी रिटायर होंगे मोदी जी? हाँ रिटायर होंगे, योगी जी बैठेंगे उनके जगह पे, योगी जी बैठेंगे, योगी जी बैठेंगे, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे मोदी जी कहीं ऐसा ना हो साइड लाइन कर दे, अरे उनका उम्र खत्म हो गया, 75 साल के हो गए, अब क्या है उनका उम्र, अब योगी जी बैठेंगे। अरे अभी तो हारते हैं मन से तो सब विपक्षी कांपने लगते हैं। अरे कांपने दीजिए बे, योगी जी के सिवा कोई नहीं आएगा, योगी जी बस, बस योगी जी आएंगे, भाजपा मतलब योगी, योगी भाजपा, हाँ कानूनी व्यवस्था सब, कानूनी व्यवस्था सही है एकदम। अच्छा कुछ महिलाएं जो गाँव वाली महिलाएं हैं वो कहती हैं कि बड़ा महंगाई हो गया, ऐसा है? महंगाई कुछ नहीं है, क्या महंगाई है, सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। फिर मोदी जी पे बटन दबेगा? फिर मोदी जी पे बटन दबेगा? अरे मोदी के बाद योगी जी आएंगे ना, फिर योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। अच्छा इस बार मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, उसके बाद फिर योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे, बस उन्हीं को बनाना, उन्हीं को बनाना, योगी जी को बनाना, योगी जी को बनाना। क्या नाम है चाची आपका? कमला निषाद, कमला निषाद जी है, खिलेगा यहाँ पे, कमला निषाद जी है और कह रही है कि कमल खिलेगा और मोदी जी अब रिटायर होंगे और योगी जी प्रधानमंत्री की जगह मतलब मोदी जी की जगह पे गद्दी पे बैठेंगे। क्या नाम है गुरु आपका? विजय। विजय जी तो यहीं से है? हाँ यहीं से, गोरखपुर से। तो कहाँ बैग टांग के निकल गए? अरे गांधी जी से जंग लड़ रहे हैं। गांधी जी से जंग लड़ रहे हैं? हाँ। कहे महाराज ऐसा का हो गया? अरे भाई गांधी जी अब कहाँ है? हर हर किसी का सोच जानते कहाँ तक जाता है, नोट पे, और हमारा सोच है कि हम नोट पे आ जाए। आपका सोच है कि नोट पे आ जाए? हाँ गांधी तो मतलब जैसा, गांधी जी को रिप्लेस करेंगे? कहाँ भाई जंग गांधी जी से तो क्या फिर कैसा सोच? क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं साफ साफ बताइए। जैसे गांधी पे नोट पे गांधी पे हैं, नोट पे गांधी हैं, वैसे हम भी नोट पे आ जाएं, आखिर दुनिया की कीमत नोट पे है तो हम भी सोचते हैं। क्या करते हैं आप भाई? एल्युमिनियम फीटर हैं। एल्युमिनियम फीटर, पैसा वैसा ठीक ठाक कमाते होंगे? अरे वही रोड छाप जिंदगी, फुटपाथ छाप नौकरी है, जंग गांधी जी से कट रहा है जिंदगी एकदम ऐसे आराम से। अच्छा एक बात, 10 साल हो गया मोदी जी को, फिर से चुनाव आ गया, तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, आपको कैसा लगा 10 साल? हम तो जानते हैं धीरे धीरे शिक्षा का विकास हो रहा है, उससे बेटर कोई राजा होगा नहीं। अच्छा क्या रुपया दिन में कमा लेते हैं आप? मालिक अपने सोच के ऊपर है, हम जितना जिसको मोटिवेट करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में काम? नहीं मालिक, हम एल्युमिनियम फीटर हैं जो, तो उसमें मोटिवेट करना पड़ेगा भाई, दुनिया में किसी को भी अगर हम बताएंगे क्लाइंट बनाने के लिए, क्लाइंट बनाने के लिए। अच्छा अपने मोदी जी का काम पूछ रहे हैं, 10 साल में किस तरीके का काम हो जाएगा? शिक्षा का बात बता दिए आप। हाँ। दूसरा काम तो देखिए आपका रोड का, फिर से हमारे क्या बोलता है एक 10 साल पहले रोड पे चलते थे, क्यों नहीं चलते थे ना? हाँ। तो ऐसा क्या कह रहे हैं कि बस मोदी जी ने बनाया रोड? अरे भाई एक मिनट, मोदी जी ऐसा नहीं है कि उनके वो रोड पे चलने का एक डिसिप्लिन तरीका उन्होंने ही सिखाया है, सबसे बड़ा बेटर यही बात है। बस एक चीज और रह गया है, शिक्षा, हमारे भारत में बस शिक्षा रह जाए। हाँ यही रिक्वेस्ट है कि शिक्षा के तरफ ध्यान दें। तो शिक्षक तरफ ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अभी नहीं दे रहे हैं। यूपी में नहीं है अभी नहीं, यूपी में नहीं ध्यान दिया नहीं। अच्छा अरे क्या कह रहे हैं चाचा? अरे उनके नहीं पता बननी एजुकेशन पॉलिसी, उनके सीधा भाषण बताइए क्या होला एजुकेशन पॉलिसी? नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इस शिक्षा में चरणबद्ध ढंग से सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन कर रहा है और पहले साल ग्रेजुएशन पहला साल करके छोड़ दिया तो उसको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। दूसरा साल अगर एक मिनट, ये अच्छी शिक्षा नीति है,
एक साल भैया बात मान लीजिए, पहले मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट सुनेंगे सर। अगर आपके हिसाब से जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, एक साल कोई ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, इस सही शिक्षा नीति है? ये अच्छी शिक्षा नीति है, नौकरी मिलेगी सर? अरे 3 साल का कोर्स, अरे महाराज सुनेंगे, 3 साल सुनेंगे, 3 साल पूरा कर, सुनवे नहीं कर रहे आप, 4 साल का, 3 साल का कोर्स है, सुनेंगे मेरी बात, उनका कंप्लीट हो जाता है, सुनेंगे इनके बात, अभी सुन लीजिए। हमारे कहने का मतलब है कि 3 साल ग्रेजुएशन का होता है, 1 साल आप पढ़ लिए, 2 साल पढ़वे नहीं किए, आपको डिग्री दे दिया गया, नौकरी कहाँ देंगे, कौन नौकरी देगा? सर्टिफिकेट स्तर का नौकरी दूंगा मैं, दूंगा, हाँ दूंगा, 1 साल में, 1 साल में नहीं, सबको नौकरी दूंगा मैं, चैलेंज करता हूँ, एक किसी के साथ दिमागों के साथ खेलना है। आप बात बताइए, आपके घर गए, सुनिए, आपके घर गए हम, ठीक है, जाने के बाद बोले भैया हम यह काम करते हैं, हमारा ये प्लानिंग है, क्या आप हमसे काम नहीं कराएंगे, बिलीव नहीं करेंगे हम पे? हम आपको कंपनी के जैसे एकदम रूल बाय रूल आप हमको अग्रीमेंट करा के काम कराइए, कराएंगे नहीं आप, हम आपको नौकरी, नौकरी तो है ही, आप खोजेंगे तब ना मिलेगा, किसी को भी नौकरी की जरूरत, नौकरी है, नौकरी है, लेकिन लोग ले नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे। और भी लोग कोई बोलना चाह रहा है भाई, आप बताइए क्या नाम है आपका? एक मिनट, क्या आप क्वेश्चन बताइए पहले, फिर उसके बाद जवाब देंगे। क्वेश्चन तो नाम, नाम आपसे, नाम से पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है? अनिल सानी। अनिल जी हैं आप, तो गोरखपुर के ही रहने वाले हैं? गोरखपुर मोहद्दीपुर का ही रहने वाला हूं। क्या काम करते हैं गुरु आप? फिलहाल तो मैं, मेरी दुकान थी और मेरा बिजनेस चल रहा है। मतलब करते हैं मेन रूप से। अच्छा, बिजनेस वाले लोग मोदी जी के सरकार में खुश हैं? देखिए सरकार किसी की भी आ जाए, ठीक है, और जब विकासें होंगी, विकास होगा तो जनता को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी, चाहे विकास होगा तो परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए जनता के पैसे से ही विकास होता है, ना कि मोदी जी अपने घर से पैसा लाते हैं, ना कि कोई सरकार लाती है घर से पैसा अपने, ठीक है, तो जहाँ विकास होगा, जहाँ आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, तो जनता को थोड़ी बहुत परेशानी होगी। अभी विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, तभी तकलीफ हो रही है जनता को? हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर है। अच्छा, जो कमाने खाने वाले, जो सामान्य अपने मीडियम से हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, जो खाली सरकार के प्रति रोना रोए कि यहाँ भी महंगाई है, ये महंगाई है, ये है, वो है, तो नहीं हो पाएगा। निक्की निषाद जी हमारे साथ है, जरा बात कर लेते हैं। निक्की निषाद जी, जरा सुनिए सुनिए सुनिए, निक्की निषाद जी ये बताइए, इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी, और किसकी बनेगी? निषाद पार्टी जो है साथ में है भाजपा के, निषाद पार्टी जो है दमखम लगा के अमित शाह से एक सीट और ले ली। हाँ ले ली, और भी लेंगे, आने दीजिए, अभी और भी लेंगे, 5-6 दिन में और भी लेंगे, और सीटें मिलेंगी। बिल्कुल, तो निषाद पार्टी दमखम से दम लड़ रही है, भाई गोरखपुर जीत रही है पूरा दमखम से। अच्छा, 3.5 लाख निषाद उसको वोट दे रहे हैं, रवि किशन जी को, रवि किशन जी एकदम। सपा को? सपा को कौन देगा? वो निषाद है ना, सपा नहीं वोट मिलेगा। कौन? अरे निषाद, निषाद को। अरे निषाद है, लेकिन निषादों के लिए काम थोड़े किए हैं कुछ। अरे जब मौका देगी, जब जनता मौका देगी, हाँ, सांसद बन के क्या काम करेंगी? आका तो उनके लखनऊ में बैठे हैं, वो काम कराएंगे उनसे, वो थोड़े कर पाएंगी। अच्छा देखिए, मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट BSP उतार दी है, कुछ प्रभाव पड़ेगा? मुस्लिम कैंडिडेट BSP उतारी है, तो जो BSP का मूल 3% वोट है जाटों का, वो तो उनका फायदा उनको मिलेगा। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि जो पिछड़ा और दलित है वो वोटर ज्यादा हैं, सदर अगर बात करें, सदर गोरखपुर जो पिछड़ा ज्यादा है, दलित कम है, दोनों लेकिन दलित का वोट 3% जाएगा, जिसमें भाजपा में 1% तो भाजपा में आ ही गए दलित, वो भाजपा को देना ही है, वो देंगे ही। तो मतलब मिला जुला के फिर एक बार मोदी सर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। ये बताइए 400 पार हो जाएगा मोदी जी का जो नारा? आराम से हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा। अच्छा, कोई इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा जितना ये चाची बोल रही है, कमला देवी, कमला निषाद जी जितने कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, पार जाएंगे वो। बस उनके नियत से सब लोग वोट पब्लिक डालेंगे। योगी जी मिली है कि नहीं अभी? मिले, 2-3 बार मिले हम। तो क्या कहते हैं योगी जी? कुछ हम अपने काम से गए थे, पर्सनल काम हुआ आपका? नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, आशीर्वाद है मेरा, उन्होंने इतना गोरखपुर को बना दिया है कि हम बहुत खुश रहते हैं। इतना बने, ऐसा माल वाल यहाँ नहीं था, बॉम्बे में था, यहाँ पे हर चीज बना दिया, सड़क चौड़ा हो गया, हर चीज चौड़ा, गोरखपुर मुंबई बन गया, बम्बई बन गया, बम्बई दिल्ली बन गया गोरखपुर। यहाँ पे मोहद्दीपुर में एक जगह मौजूद थे और तमाम लोग थे, उनसे बातचीत किया गया और ये समझने का प्रयास किया गया कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या अहम मुद्दे होने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है ये कि अगर भाजपा जीतती है तो किन मुद्दों के साथ जीतेगी, और अगर हारती है तो क्या वो अहम मुद्दे होंगे जो जाहिर तौर पर जो है वो नुकसान पहुँचाने वाले हैं। बाकी अभी
देखना दिलचस्प होगा। अभी एक आध महीने चुनाव है, बेहद दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि ये चुनाव जो है वो बहुत कुछ तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव ये भी तय करेगा कि विपक्ष अब कितना और कमजोर हो जाएगा। ये चुनाव ये भी तय करेगा कि भाजपा अब कितना और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि 45वां अपना स्थापना दिवस जब भाजपा मना रही है तो उसमें लगातार उभार देखने को मिल रहा है। लगातार एक सिरे से जो है ग्राफ ऊपर जाता दिख रहा है, जिस तरीके से उन्होंने विकास किया है। बाकी इस पर आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।